ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्त बाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरखूब होगा। तमीज तेरी निगहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगो से बचाएं। जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरवी में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें ना हमवार जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और सादिकों की राहों पर कायम रहे। क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। आमीन।